हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी ओल की सब्जी, जिसे आप सूरन जिमकंद के नाम से भी जानते हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम ओल, जिसे मैंने क्यूब्स में काट कर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉयल कर लिया है नमक डालकर। और उसके बाद हम लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बना लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े क्रश कर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक और 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज। अब हम यहाँ गैस पर कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम डालेंगे 8 से 10 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छी तरह गर्म करेंगे और इसमें हम अपने ओल को डालकर फ्राई करेंगे। इसे हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। सभी ओल को हमें तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जिस तरह से इसे आप बिना बॉयल के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी तरह हमें फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो ये मुंह में जो लगती है, मतलब थोड़ा काटती है ये, तो बॉईल करने से वो सारी चीज़ें निकल जाती है। ये देखिए हमारा ओल अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम सारे ओल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमारा ओल अब अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब हम फिर से उसी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और हम उसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ डाला है 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, साबुत लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। जीरा के तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को डाल के हम उसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी टमाटर प्यूरी और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसालों को डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह चलाएंगे। हमें इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखिए हमारा मसाला अब अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सारे ओल को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। कुछ इस तरह से अपने सारे मसालों में हमें ओल को मिला लेना है। ये देखिए ओल अब अच्छी तरह मसालों में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी यूज़ किया है। पानी को ऐड करके हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट।
ऐसी सब्ज़ी जो नॉनवेज को ही फिल कर दे, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। आप भी ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।